जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। निर्धारित योजना के तहत पीएम मोदी 16 जून को पंजाब, झारखंड और पौंडुचेरी समेत 21 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। वहीं 17 जून को वह कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। सरकार ने छोटे करदाताओं को दी राहत, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में देरी पर ब्याज आधा। जीएसटी काउंसिल ने ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के लिए फरवरी अप्रैल के रिटर्न दाखिल करने में देरी पर लगने वाले ब्याज को घटाकर आधा कर दिया है। हालांकि इनको सितंबर 2020 तक रिटर्न दाखिल करना होगा। वहीं जुलाई 2017, जनवरी 2020 के दौरान शून्य टैक्स देनदारी वाले संस्थाओं द्वारा जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर विलंब शुल्क नहीं लगेगा। कोविड-19 के रोगियों से जानवरों से भी बदतर सलूक शव कचरे में मिले। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों के शवों की कोई फिक्र नहीं है। कोर्ट ने कहा, लाशें कचरे में मिल रही हैं, लोगों को जानवरों से भी बदतर माना जा रहा है। बतौर पीठ ने कहा, परिवारों को मरीजों की मौत की जानकारी नहीं दी गई, कुछ मामलों में परिवार अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। तो वही कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों को वेतन का भुगतान नहीं होने के मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि युद्ध के दौरान आप सैनिकों को नाराज मत कीजिए। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि थोड़ा आगे बढ़कर उनकी शिकायतों के समाधान के लिए कुछ अतिरिक्त धन का प्रबंध किया जाना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसी यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।